मैं आपको जातिवाद का इतिहास बताता हूँ और ये आपको चौंका देगा। चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, इसको लेकर हर धर्म में सिमिलरिटीज हैं। जातिवाद के उद्भव के लिए प्रमुख जिम्मेदारी मिसगाइडेड हिंदुज्म और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट को जाती है। हिंदू धर्म में शुरू में जातिवाद की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया था, इसकी बजाय इसमें वर्ण व्यवस्था थी। इस प्रणाली में लोगों को आर्य वर्ण, द नोबल वंश और दास वर्ण, लोकल इनहेबिटेंट्स में डिवाइड किया गया। मतलब जो लोग बाहर से आए उन्हें नोबल वंश बोल दिया और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको दास बोल दिया। ये दोनों ही ग्रुप शांति से रहते थे। हालांकि जो लोग बाहर से आए थे जिन्हें नोबल वंश कहते हैं, उन्होंने उसका दर्जा बनाए रखने के लिए कर्म से हटकर उसको जन्म बेसिस पे कर दिया। आर्यन थ्योरी समझने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मनुस्मृति पहला संस्कृत टेक्स्ट था जिसे विलियम जोन्स ने अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो कि एक ब्रिटिशर थे, और लोगों में डिवाइड क्रिएट किया। इतनी सारी किताबों में सिर्फ यही चुना। जो कहते हैं ना फूट डालो और शासन करो, वो यहीं से आया है असलियत। इससे पहले कास्टिज्म में इतनी नफरत या हिंसा नहीं थी, इन्होंने उसका रुख ही बदल दिया। इन्होंने बताया कि शूद्र को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मानता हूँ पहले भी था, लेकिन इतना भेदभाव नहीं था। इस्लाम ने शुरू में जातिवाद का समर्थन नहीं किया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इनक्वालिटी की धारणा का खंडन किया। हालांकि दक्षिण एशिया से 12वीं सदी के मुस्लिम विजय के बाद विदेशी मूल के मुसलमानों को अशरफ और स्थानीय लोकल कन्वर्टेड मुसलमानों को अजलफ के बीच में बांट दिया गया। अब आपको दिखने लगा ना वही सेम पैटर्न है हिंदुज्म वाला। सिख धर्म में भी एक ओंकार की बात की गई है जिसमें ईश्वर की एकता और सभी मनुष्यों के बीच में समानता पे जोर दिया गया है। फिर भी पंजाब में बहुत अधिक जातिवाद है। ईसाई धर्म सामान्य तौर पर केरल और गोवा जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्र को छोड़कर जातिवाद का समर्थन नहीं करता, लेकिन यहाँ काले घोड़े का वेद इतना ज्यादा है कि इतना तो जातिवाद में भी नहीं। अब आप बताइए धर्म गलत है या इंसान।